एक बार मीरपुर नाम के एक गांव में रमेश अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह मोची का काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में पैर फिसलने के कारण वह गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। घर आकर, बेटी मीना कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। मीना अपने पिता की आवाज सुनकर भाग कर आती है और उन्हें देखकर रोने लगती है और कहती है, पिताजी आपको इतनी चोट कैसे लग गई? रमेश रास्ते में हुई सारी बात बताता है। उसे सुनकर मीना सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में बहुत थोड़ा सा ही सामान है और इतनी बारिश हो रही है, कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। रमेश के घर से थोड़ी दूरी पर गांव के मुखिया रामलाल का घर था। वह बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत घमंडी लड़का था। कुछ दिन पहले ही मीना ने अपने पिताजी को रामलाल से बात करते सुना था कि उन्हें किसी काम करने वाली की जरूरत है। मीना रामलाल के यहाँ जाके, काका तुम्हारे घर काम वाली की जरूरत थी ना? हाँ थी, तो पर तुम क्यों पूछ रहे हो? काका मुझे ये काम की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है और अब वो काम पर भी नहीं जा सकते हैं। मुझे वो काम वाली का काम दे दो, जितना पैसा आपको ठीक लगे उतना दे देना। रामलाल इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और सोचता है, अरे ये तो अच्छा मौका है, कम पैसों में काम वाली मिल गई। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। मीना सुबह उठती है और पहले घर का सारा काम करती और फिर अपने पिताजी को दवा देती। उसके बाद रामलाल के घर जाती और सारा काम करती। काका सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? ठीक है जाओ, कल जल्दी आ जाना। कल गोपाल के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बना देना। सिर हिलाकर, ठीक है काका। मीना घर जाती है तो देखती है कि घर में कुछ बचा नहीं है पकाने को और सोचती है, क्या बनाऊं और पिताजी को क्या दूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। तभी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। उसमें दो रोटियां होती हैं। मीना पिताजी को वो दो रोटी और नमक दे देती है और खुद पानी पीकर पेट भर लेती है। रोटी देखकर, बेटी मीना तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ पिताजी, मैंने काका के घर पर खा लिया था। ऐसा कहकर मीना भूख से रोती हुई सो गई। सुबह उठकर रोज की तरह घर का काम किया और जल्दी से रामलाल के घर गई और अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी गोपाल वहाँ आता है और कहता है, अरे ओ मीना खाना बन गया क्या? जी खाना बन गया। इतने में गोपाल के दोस्त आ जाते हैं और गोपाल उनके साथ बहुत मस्ती करता है और थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है तो गोपाल मीना को आवाज लगाता है, अरे मीना खाना लगा दे सबके लिए। जी अभी लगाती हूँ। ऐसा कहकर मीना तुरंत खाना लगाती है। गोपाल और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद गोपाल मीना को आवाज लगाता है, ये सब ले जा यहाँ से, जो बचा है उसे कुत्ते को दे देना। साहब एक बात कहो, आप सबने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये सब मेरी मर्जी है, समझी? तुझे तो मैं बताता हूँ, पिताजी को आने दे। काका क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूं? वैसे भी कल इसे कूड़े में ही फेंकता है। ठीक है। अगली सुबह मीना आती है और काम करके बचा हुआ खाना लेकर जा रही होती है। तभी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बेटा कुछ नहीं, बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद मीना रामलाल से अपनी तनख्वाह मांगती है
वहाँ खड़ा गोपाल कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले जाती हो, तो पैसे किस बात के? साहब, वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंक देते आप। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी देखो कैसे बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी ये ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी ना जाने खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होगी। ये सब सुनकर रामलाल मीना को बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है और मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई थी मुझे समझाने, अब पता चलेगा जब भूखे सोना पड़ेगा। मीना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी अध्यापिका वहाँ से गुजर रही होती है। उसे ऐसी हालत में देखकर अध्यापिका मीना से, बेटी मीना, ये तुमने क्या हाल बना रखा है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? मीना रोते हुए सारी बात अध्यापिका को बताती है। मीना पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए अध्यापिका उसे कहती है, तुम मेरे साथ स्कूल चलो, तुम मेरे घर में काम कर लेना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ, वहाँ तुम मुफ्त में शिक्षा ले सकती हो। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी काम करके शांत कर सकती है। इधर रामलाल अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। अब गोपाल बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। उसे बहुत भूख लगी होती है। वह पड़ोसी के पास जाकर, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो दे दे। कोई उसे खाने को नहीं देता और उसे भगा देते हैं। वहीं से गुजर रही मीना ये सब देखती है और गोपाल को अपने साथ ले जाती है और उसके घर जो रूखा सूखा होता है वो गोपाल को खाने को देती है। भूखा गोपाल जल्दी जल्दी सब खा लेता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ अपने घर लाई और खाना भी खिलाया, मुझे माफ कर दो मीना। मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। ये सुनकर गोपाल दोबारा माफी मांगता है और उस दिन के बाद से गोपाल मीना को अपनी बहन बना लेता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।